विशेष न्यायाधीश एवं प्राधिकृत अधिकारी क्रमांक एक इंदौर PCRA की विशेष कोर्ट ने उज्जैन के तत्कालीन पटवारी की भ्रष्टाचार से अर्जित लाखों की संपत्ति राजसात करने के आदेश दिए हैं। जिला अभियोजना अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया कि वीरेश उपाध्याय ने पटवारी के पद पर पदस्थ होकर अपनी सेवा प्रारंभ की और अपने सेवा काल में प्रभावित व्यक्ति जिला उज्जैन में पदस्थ रहा। प्रभावित व्यक्ति द्वारा योजनाबद्ध तरीके से भ्रष्टाचार कर अपने व अपने परिवार के नाम से अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करना शुरू किया तथा अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक की अनुपात संपत्ति एकत्रित की गई। उक्त प्रकरण में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक M.K. चतुर्वेदी द्वारा रखा गया। अभियोजना की कहानी इस प्रकार है कि 15 अक्टूबर 2011 को लोकायुक्त पुलिस उज्जैन द्वारा उक्त आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। वर्ष 2011 की विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन के द्वारा 2011 में उज्जैन में पदस्थ तत्कालीन पटवारी वीरेश उपाध्याय यहाँ पर छापा डाला था और छापा डालने में उनकी आय से आय के ज्ञात से ज़्यादा संपत्ति उनके पास पाई गई थी जो भ्रष्टाचार के द्वारा अर्जित की गई थी। उस संपत्ति के को रासा करने के लिए हमारे द्वारा विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन पेश किया था जिसमें लगभग 40 लाख की संपत्ति थी जिसको राजसात के लिए आवेदन दिया गया था। उसमें से उनकी लगभग 20 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय PCRA साहब के न्यायालय से राजसात करने का आदेश दिया गया। इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट।